ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पहले इसको बोलते थे चैप्टर नंबर 6, लेकिन एक चैप्टर जो 5 है वो निकल गया, तो अभी इसका चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 5 एज पर द लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल. आईसीआई का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उस पर ये चैप्टर हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 5. और इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग ओल्ड सिलेबस में इसको बोलते थे सीबीपी और बीपी एनालिसिस, राइट. सो ये डिसीजन मेकिंग है आपका चैप्टर नंबर 5 है एज पर आईसीआई का जो लेटेस्ट नया मॉड्यूल है उसके हिसाब से आपका ये चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा 5. चैप्टर नंबर 5 मींस योर डिसीजन मेकिंग. पहले इसको बोलते थे सीबीपी एनालिसिस एंड बीपी एनालिसिस. इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 1, 2 एंड 3. 1 में मैं आपको कवर करूंगा सीबीपी एनालिसिस विद शटडाउन पॉइंट. सीबीपी एनालिसिस विद शटडाउन पॉइंट. सेकेंड में आपको कराऊंगा एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग. और थर्ड में आपको कराऊंगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन डिसीजन मेकिंग. इसको हम लोग बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्टिंग. पहले हम इसको बोलते थे अलग से, सेपरेट था. अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, सब कुछ एक ही में कंबाइन कर दिया है और उसका नाम रख दिया है डिसीजन मेकिंग. अब ये क्वेश्चंस जो डिसीजन मेकिंग के मॉड्यूल में दे रखे हैं उनको करने से पहले आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए. आपको ग्राफिकल मेथड आना चाहिए, आपको सिंप्लेक्स आना चाहिए, प्लस आपको लर्निंग कर्व थ्योरी भी आना चाहिए. ओके, तो मैंने आपको लर्निंग कर्व थ्योरी अलग से कराया था, जिन लोग नहीं देख पाए वो मेरे YouTube चैनल दानी की कॉस्टिंग पे देख सकते हैं. ग्राफिकल मैंने आपको अलग से कराया, वो भी आप देख सकते हैं, बराबर. और इसके साथ साथ आपको ये डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट आज से, लेकिन मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं. मेरे पास जो बच्चों का फीडबैक आया है, बोले सर 2 घंटे ज्यादा लगे, लेकिन प्लीज यू एक्सप्लेन विद द बेसिक्स, राइट. जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करते थे, वैसा की वैसा यहां पर भी हम लोग एक भी फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं. तो आप जरा देखते चलिए. 5.1 पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए. पेज नंबर 5.1 जहां पे मैंने ये पूरा चार्ट आपको बना के दिया है विथ थ्योरी एक्सप्लेनेशन. 5.1 एक आपका चैप्टर 5 है, उसमें मैंने आपको पहले लिखा डिसीजन मेकिंग, सीबीपी एनालिसिस. डिसीजन मेकिंग के 3 पार्ट हैं. एक पहला पार्ट आपका रहेगा सीबीपी एनालिसिस विथ शट डाउन पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन डिसीजन मेकिंग और रिलेवेंट कॉस्टिंग. सही आंसर नो फ्रेंड्स, सीबीपी एनालिसिस शट डाउन पॉइंट. मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट और आपका वेरिएबल कॉस्ट इज वन ऑफ द सेम. क्या बोल रहा है, मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एनी एक्सपेंस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और प्रोडक्शन इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. कोई भी एक्सपेंस है, एकदम बेसिक से लेके चलते हैं अपन. एनी एक्सपेंस विच इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और प्रोडक्शन इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. नंबर 2, मीनिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट. एनी एक्सपेंस विच इज कॉन्स्टेंट अप टू 100% कैपेसिटी इज नोन एज फिक्स कॉस्ट. मीनिंग ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इट इज अ टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलता हूं एग्जाम्पल, जैसे सपोज, व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. बहुत सारे बच्चों का ये आया था, सर हम लोग इंटरमीडिएट में आपसे नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज आप एकदम जो आपका स्टाइल है, जो आपका फॉर्मेट है आपका विदाउट फॉर्मूला वाला, वो प्लीज आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए, राइट. इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो काफी आप लोगों का ये आया था कि भाई आप एकदम बेसिक से पढ़ाइए. अगर मैं आपको बोलता हूं 100 यूनिट्स है और आपका कॉस्ट है 100 रुपीज, इसका मतलब आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगा, 1.
ओके अगर आपका 101 यूनिट है आपका कॉस्ट आ रहा है 101, आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा 1। अगर आपका 99 है और आपका कॉस्ट आ रहा है 99, आपका कॉस्ट क्या आएगा 1। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, इट इज योर वेरिएबल कॉस्ट विच इज इंक्रीजेस, इंक्रीज भी हुआ है ओके और ये डिक्रीज भी हुआ है अकॉर्डिंग टू यूनिट्स। अगर मैं आपको बोलता हूं कि अप टू 100% कैपेसिटी, अगर कोई एक्सपेंस है अप टू 100% कैपेसिटी, अगर आपका फिक्स्ड है, इट मींस 5000 यूनिट्स का बनाते हो तो भी कॉस्ट आपको 5000 है, ये आपका कॉस्ट है। अगर आप 10000 यूनिट्स बनाते हो तो भी आपका कॉस्ट 5000 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट विच इज कॉन्स्टेंट अप टू 100% कैपेसिटी, अप टू 100% कैपेसिटी। पहला वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट मींस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज अ कांस्टेंट अप टू 100% कैपेसिटी, इट इज कांस्टेंट बट अप टू 100% कैपेसिटी। फिर आपका आता है फ्रेंड्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इट इज ए टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये क्या होगा, वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों का मिला के टोटल होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी वेरिएबल। अब देखो मैंने आपको पेज नंबर 5.1 पे, पेज नंबर 5.1 पे एक आपको एग्जांपल दिया है राइट, मीनिंग ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सपोज अगर आपके पास है यूनिट्स एंड ये आपके पास है से कॉस्ट, बराबर। अगर मैं आपको बोलता हूं 1000 यूनिट है और आपका कॉस्ट है 1000 रुपया, आपके पास 2000 यूनिट्स है, आपके कॉस्ट आ रहा है 2000, आपके पास 3000 यूनिट्स है, आपका कॉस्ट आ रहा है 3000, आपके पास 50000 यूनिट्स है, आपका कॉस्ट आ रहा है 50000। अब ये कॉस्ट का नेचर क्या है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रहेगा तो आपका पर यूनिट जो कॉस्ट है वो क्या आना चाहिए, सेम 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इज 1, 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इज 1, 3000 डिवाइडेड बाय 3000 इज 1, 50000 डिवाइडेड बाय 50000 इज 1, ये आपका क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। फिर आपका आएगा फ्रेंड्स सेकंड इज ए फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपका क्या रहेगा अप टू 100% कैपेसिटी, अप टू 100% कैपेसिटी आपका क्या रहेगा कांस्टेंट, इट मींस यूनिट्स एंड कॉस्ट, यूनिट्स 1000 आपका कॉस्ट आएगा 1000, यूनिट्स 2000 आपका कॉस्ट आएगा 1000, यूनिट्स 3000 आपका कॉस्ट आएगा 1000 और यूनिट 50000 आपका कॉस्ट क्या आएगा 1000। इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाउ यू कम टू सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। ये सब मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, आप जस्ट यू कॉन्सेंट्रेट हियर, आपको सब पता धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इट मींस दिस इज योर यूनिट्स और ये आपके क्या हो जाएंगे कॉस्ट, आपकी यूनिट्स 1000 आपका कॉस्ट 2000, आपकी यूनिट्स 2000 आपका कॉस्ट 3000 राइट, आपकी यूनिट्स 40 राइट फ्रेंड्स, अगर आपका यूनिट्स है 49000 और आपको एक्सपेंस दे रखा है 50000, दिस इज ऑल इन रुपीस, आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड्स। अगर आपका 1000 यूनिट्स है, आपका कॉस्ट 2000 है, 2000 है उसका 3000 है और 49 है इसका 50 है। अब देखो
मैंने आपको क्या जजमेंट बनाया था कि अगर आपका पर यूनिट सेम है, 1000 1000 वन रुपी आ रहा है, 2000 2000 वन रुपी आ रहा है, 3000 3000 वन आ रहा है, 50000 50000 वन आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन 1000 पे आपका कॉस्ट 1000 है, 2000 पे आपका कॉस्ट 1000 है, 3 पे आपका कॉस्ट 1000 है, 5 पे आपका कॉस्ट 1000 है, उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद आपको आएगा फ्रेंड्स, इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मींस सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड एंड सम पार्ट ऑफ वेरिएबल, सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड सम पार्ट ऑफ वेरिएबल। देखो यहां पे अगर अपन देखें तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रहा है, 2000 डिवाइडेड बाय 1000, इसका मतलब क्या आ रहा है आपका? 2 रुपीज। देन 3000 डिवाइडेड बाय 2000, आपका क्या आ रहा है? 1.5। इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं, वेरिएबल तो नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट रहेगा तो पर यूनिट क्या रहेगा? सेम। अगर हर जगह अमाउंट सेम रहेगा तो अपन बोल सकते हैं दिस इज ए फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है क्योंकि इसमें सम पार्ट, क्योंकि 2000 3000 5000 चेंज हो रहा है, इसका मतलब इट हैज टू बी ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सम पार्ट इसके अंदर फिक्स्ड है और सम पार्ट इसके अंदर वेरिएबल है। इसके अंदर कुछ पार्ट आपका वेरिएबल है, कुछ पार्ट आपका फिक्स है, कुछ पार्ट आपका वेरिएबल है, कुछ पार्ट आपका फिक्स्ड है, कुछ पार्ट वेरिएबल है, कुछ पार्ट फिक्स्ड है। तो इसके लिए आपको आते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है, मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे रखा है, पेज नंबर 5.2 पे इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है, पेज नंबर 5.2 पे मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको। इट इज मेथड फॉर एलोकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सम पार्ट इज फिक्स एंड सम पार्ट इज वेरिएबल, सम पार्ट इज फिक्स एंड सम पार्ट इज वेरिएबल। क्या रहता है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहता है, तो रेंट आपका फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप कंजम्पशन बढ़ाओगे पर यूनिट के हिसाब से तो वो अलग से आपको दे रखा है। आर यू फॉलोइंग ऑन नोट? सही आसान है फ्रेंड्स। आपका मोबाइल का बिल है, मोबाइल का बिल है आपका, सपोज से रेंट है आपका, रेंट है 499 पर मंथ, रेंट आपका क्या है? 499 पर मंथ, प्लस व्हाटएवर कॉल्स यू आर मेकिंग यू हैव टू पे 1 रुपी पर कॉल, यू हैव टू पे 1 रुपी पर कॉल, हर कॉल का आपको 1 रुपी देना है। 499 आपका क्या है? अमाउंट है, अमाउंट क्या है आपका? फिक्स्ड है। इसका मतलब ये दोनों का जो टोटल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो पहला है आपका, मैंने लिख के दिया आपको, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, मेथड वन, दिस इज योर मेथड वन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इट मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू वाई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू वाई। इट मींस योर 1000 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2000 एंड 2000 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3000। इट मींस इन दिस केस योर वाई एंड वाई गेट कैंसिल। इट मींस 1000 एक्स इक्वल टू 1000 एंड एक्स इक्वल टू 1। इट मींस 2000 के अंदर देर आर टू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। इट मींस You can put now the value. It means 1000 into 1 plus y equal to 2000 and your y equal to 1000. Say yes. ये आपका क्या हो जाएगा? Method 1. Method 1 में आपने क्या किया friends? Simultaneous equation method. Variable cost per unit equal to x. Fixed cost equal to y. 1000 x plus y equal to 2000. 2000 x plus y equal to 3000. 1000 x इक्वल टू 1000 सॉल्व किया, x इक्वल टू 1, x में वैल्यू हम लोगों ने डाल दिया x इंटू 1, y इज 2000 एंड y इक्वल टू रुपीज 1000। इसका मतलब अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं 1000 इंटू 1 इज 1000, बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट 1000, 2000 में देखना है, 2000 इंटू 1 वेरिएबल आपका हो जाएगा 2000,
और फिक्स्ड आपका हो जाएगा 1000। 49 × 1 आपका क्या हो जाएगा 49, और ये आपका क्या हो जाएगा फिक्स्ड, फिक्स्ड आपका हो जाएगा 1000। सही है सर, इसका मतलब हर जगह अगर आप वेरीफाई करेंगे, हर जगह आपको फिक्स कॉस्ट क्या मिलेगा कांस्टेंट, और वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या मिलेगा पर यूनिट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स। सही है सुना फ्रेंड्स, ये आपका का था फ्रेंड्स फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड फ्रेंड्स आपका आ सकता है, ये कभी कभी क्या थ्योरी में भी पूछ लेता है, कभी कभी आप इसे थ्योरी में भी पूछता है, व्हाट आर द मेथड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट आर द मेथड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेकंड आप ले लीजिए, दिस इज योर वॉल्यूम रिलेटेड, इट मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, 1000 2000 प्रोडक्शन, 2000 3000 कॉस्ट, इट मीन 3000 माइनस 2000, दिस इज योर चेंज इन कॉस्ट, एंड चेंज इन प्रोडक्शन 2000 माइनस 1000, इट मीन्स योर 1000 डिवाइडेड बाय 1000 एंड दिस कम्स टू 1, योर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज रुपीज 2000, टोटल कॉस्ट इज रुपीज 2000 आउट ऑफ दिस वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1000 इंटू 1 1000 एंड फिक्स्ड इज 1000, वही हम लोगों ने वेरीफाई किया था एवरीवेयर आप यू आर गेटिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स 1000। सही है सोनो, थ्री मार्क का कभी आपको आ जाए लाइक यू नो सेमी वेरिएबल के व्हाट आर द मेथड्स, तो दिस इज योर वॉल्यूम रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट, दो पीरियड का चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन, आपका क्या आ जाएगा 1, टोटल कॉस्ट 2000 1000 एंड फिक्स कॉस्ट आपका 1000। देन अब आ जाइए फ्रेंड्स आप थर्ड, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स आपका हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, इट मींस योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ हाई पॉइंट माइनस कॉस्ट ऑफ लो पॉइंट, कॉस्ट ऑफ हाई पॉइंट माइनस कॉस्ट ऑफ लो पॉइंट डिवाइडेड बाय हाई पॉइंट माइनस योर लो पॉइंट। ओके, कॉस्ट ऑफ हाई पॉइंट माइनस कॉस्ट ऑफ लो पॉइंट डिवाइडेड बाय हाई पॉइंट माइनस लो पॉइंट, कॉस्ट ऑफ हाई पॉइंट सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो हाई पॉइंट है उसका अपना कॉस्ट क्या है, उसका अपने को कॉस्ट क्या दे रखा है, हाई पॉइंट का कॉस्ट अपने को दे रखा है रुपीज 50000। देखो जरा जो मैंने सॉफ्ट कॉपी आपको दिया है उसमें जरा देखिए पेज नंबर 5.2 पे आप जरा देखिए 50000। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ लो पॉइंट 5.1 पे, पेज नंबर 5.1 पे मैंने आपको दिया लो पॉइंट का कॉस्ट है 2000 रुपीज। सबसे बड़ा हाई पॉइंट में यूनिट से आपकी 49000 और लो में आपकी यूनिट से 1000, इट मींस 48000 डिवाइडेड बाय 48000 एंड दिस कम्स टू 1। ओके, हाई पॉइंट का आपका कॉस्ट है 50000, 50 के दो पार्ट वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरिएबल इज 49 × 1 = 49, बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आ जाएगा इज ए फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 1000, फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज से 1000। सही है सुनो, ये आपका तीसरा मेथड हो गया हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ हाई पॉइंट माइनस
cost of low point divided by high point minus low point. Cost of high point 50,000, low point 2,000, 49,000, 48,000, 48,000, and 50,000, 49 into 1, 49, and fixed cost is 1,000. Say yes or no, friends. Perfectly clear or no. Now, friends, आपका start होता है 5.2 से. मैं आपको लेके चलता हूँ. This is your page number 5.2. यहाँ पे मैंने आपको define किया है. What do you mean by break even point? Break even point means it is a point when there is no profit, no loss. It is a point when there is no profit and no loss. It is a point where no profit, no loss. आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स मेरे चार्ट्स. जो चार्ट में आपको दूंगा, अगर आपने चार्ट को समझ लिया, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आने दो, आगे जाके अपन करेंगे. जहां पे अपने को ऐसी सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन की, जहां पे फॉर्मल यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला ओनली. आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते. आपका प्योर लॉजिक होना चाहिए तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट. डू नॉट यूज एनी फॉर्मूला. फॉर्मूला से सम होगा ही नहीं, क्वेश्चन फॉर्मूला से सॉल्व होगा ही नहीं. आपका क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए लॉजिक. आपका जब तक लॉजिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे. तो मेरा है चार्ट नंबर वन. मैं दो चार्ट आपको सिखाऊंगा. एक है आपका चार्ट नंबर वन, ये आपका डीकेसी का क्लास. डीकेसी के क्लास में आपका चार्ट आप देखिए. इट मीन्स चार्ट वन, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू वेरिएबल प्राइस एंड कंट्रीब्यूशन. एंड कंट्रीब्यूशन के दो पार्ट हैं, एक है आपका फिक्स्ड कॉस्ट एंड दूसरा है आपका प्रॉफिट. अगर आप चार्ट वन को देखते हो, अगर आप चार्ट वन को देखते हो तो चार्ट वन, डीकेसी का चार्ट वन अगर आपको याद रखना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट. चार्ट वन, चार्ट वन में आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट. आपका फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट. अब आप आ जाइए फ्रेंड, सपोज एक यूनिट का आपका सेलिंग प्राइस है सपोज 25,000. मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, मैं उससे चार्ज करता हूँ 25,000. कितना चार्ज करता हूँ? 25. और उसके अंदर मेरा 5,000 रुपीज उस बंदे के ऊपर मेरा खर्च हो जाता है. व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल प्राइस? मींस मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था अभी जस्ट कि वेरिएबल कॉस्ट मींस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन. इसका मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट कितना है? 5,000. मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 25. अगर एक एडमिशन होता है तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 25. मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना चला जाएगा? 5. मेरे पास बैलेंस क्या बचेगा? मेरे पास बैलेंस बचेगा से 20,000 रुपीज. मेरे पास बैलेंस बचेगा 20,000. एंड सपोज मैं जिस जगह पर डीकेसी को चलाता हूं, वो डीकेसी का जो रेंट है, डीकेसी का जो रेंट है, दैट रेंट कम्स टू रुपीज से 6 लाख. मेरा जो रेंट है, डीकेसी का जो रेंट है वो 6 लाख है. और मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो प्रॉफिट है वो 0 है. रेंट है वो 6 लाख है और मेरा जो प्रॉफिट है वो 0 है. तो व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? यहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका मतलब इट इज ए पॉइंट व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. आपका प्रॉफिट क्या रहेगा? 0. इसका मतलब अगर एक स्टूडेंट आया तो लॉजिकली मुझे कितना मिलेगा? 25 में से मेरा वेरिएबल कितना निकल जाएगा? 5. मेरे पास बैलेंस क्या बचा? 20. ये अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ये अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करके देगा टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. इट मींस योर ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू 6 लाख. योर ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाई 20,000. आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 एंड दिस कम्स टू 30. अगर आपके पास 30 स्टूडेंट हैं, इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस. मैं इसको आपको वेरीफाई करके भी बताता हूँ आंसर को.
आपको वेरीफाई भी करके बताता हूं आपको आंसर को. इट मींस दिस इज योर वेरिफिकेशन. सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट है स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल का कि यू कैन वेरीफाई योर आंसर. इट मींस सेल्स वेरिफिकेशन में आपका सेल्स आएगा. 30 स्टूडेंट, एक जन से हम कितना चार्ज कर रहे हैं, 25. सब कुछ आपको बुक में दे रखा है, राइट. दिस इज योर वेरिफिकेशन स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इट मींस 30 into 25,000 is 7,50,000. Variable cost is 30 into 5,000 is 1,50,000. आपके पास बैलेंस क्या बचेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन. आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 6,00,000 एंड योर फिक्स्ड कॉस्ट. आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा ₹6,00,000. आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा ₹6,00,000 और आपको प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 0. वेरिफिकेशन पार्ट आपका हो जाएगा, दिस इज योर वेरिफिकेशन स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सेल्स 7,50,000, 30 into 25,000. वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000, 30 into 5,000. कॉन्ट्रीब्यूशन 6,00,000. योर फिक्स्ड कॉस्ट 6,00,000 एंड योर प्रॉफिट एंड लॉस इज 0. आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा, 0. इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो ये आपका हो गया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, बीपी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. बीपी इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा बीपी इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका बीपी हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपको याद क्या रखना है, मेरा चार्ट आप याद रखोगे. एक स्टूडेंट से 25,000 निकल गया, व्हाट इज द बैलेंस 20 से आपको रिकवर करना है फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. प्रॉफिट आपका 0 है, इसका मतलब 6,00,000 आपको रिकवर करना है किससे, 20,000 से. तो आपका बीपी आ जाएगा इज 30 स्टूडेंट्स. आपका जो बीपी रहेगा, डीकेसी का जो रेंट है वो 6,00,000 है, दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. इसका मतलब आपका जो बीपी निकल के आएगा, आपका जो बीपी हो जाएगा वो 30 स्टूडेंट्स हो जाएगा. सपोज अगर आप बोलते हो कि नहीं सर आई वॉन्ट प्रॉफिट. नाउ सपोज रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज 6,00,000. सपोज दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज रुपीज से 6,00,000. आप बोलते हो नहीं मुझे तो 6,00,000 का प्रॉफिट भी चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया, आप बोल रहे हैं कि मुझे तो 6,00,000 का प्रॉफिट भी चाहिए. ये आपको दे रखा है 5.3 पे पूरा एग्जांपल. मुझे तो 6,00,000 का प्रॉफिट भी चाहिए. अगेन चार्ट वन इट मींस एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट दिस यू डिवाइड इन टू. एक आपका रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा आपका रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड इन टू योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट. इट मीन्स आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, 6,00,000. डीकेसी का रेंट आपका क्या है, ये आपका 6,00,000. ये आपका डीकेसी रेंट कॉस्ट आपका फिक्स कॉस्ट है. इसका मतलब मिलके आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 12,00,000. आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए, 12,00,000. एक स्टूडेंट आपको क्या दे रहा है, 25,000. एक स्टूडेंट आपको कितना दे रहा है, 25,000. वेरिएबल प्राइस है आपका
5000, इसका मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20,000। ये 20 से आपको रिकवर करना है फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इट मीन्स एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख, योर प्रॉफिट 6 लाख एंड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 20,000। इट मींस 6 लाख इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, 6 लाख इज योर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 20,000 एंड दिस कम्स टू 60 नंबर्स। अगर आपके पास 60 नंबर्स हैं तो यू विल गेट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज सिक्स लैक्स। इसका मतलब आपका फॉर्मूला हो गया एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको भी मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। दिस इज योर एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 6 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना है 6 लाख, मिलके हो गया 12 लाख। सेलिंग प्राइस 25, वेरिएबल कॉस्ट 5, कंट्रीब्यूशन 20, इट मींस 12 लाख 6 + 6 डिवाइडेड बाय 20,000 इज ए 60 स्टूडेंट। अगर आपके पास 60 स्टूडेंट है तो यू विल गेट ए एग्जैक्टली प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6 लाख। इसको हम लोग दूसरे वाले चार्ट में भी यूज कर सकते हैं, आपको चार्ट टू भी यूज करना सिखाता हूं। देखो एक्सपेक्टेड सेल्स इसका मतलब आपका ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, ये एक्सपेक्टेड जो सेल्स है उसको आप दो में डिवाइड कर सकते हो। एक को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, दिस इज बीपी सेल्स, और दूसरे को हम बोलेंगे एमओएस सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। एक आपका बीपी सेल्स रहेगा और एक आपका क्या रहेगा एमओएस सेल्स। एक्सपेक्टेड सेल्स यू डिवाइड इन टू एक बीपी सेल्स एक एमओएस सेल्स एंड दोनों के टोटल को हम क्या बोलेंगे एक आपका रहेगा बीपी और दूसरा आपका रहेगा एमओएस। अब देखो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड सेल्स कितना आ रहा था 60 स्टूडेंट, ये 60 स्टूडेंट, और आपका बीपी सेल्स कहाँ पे आ रहा था सेम एग्जाम्पल में, आपका बीपी सेल्स आ रहा था सेम एग्जाम्पल में आपका 30 स्टूडेंट। इसका मतलब आपका बीपी सेल्स कहाँ पे आ रहा था 30, बाकी का जो बचा वो 30 आपका क्या हो जाएगा इजे एमओएस सेल्स, वो 30 आपका क्या हो जाएगा बोलो, वो 30 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बोलिए, वो 30 आपका हो जाएगा इजे एमओएस सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये जो आपका बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। सही है, सुनो फ्रेंड्स परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो देखो कैसे हम लोग चार्ट यूज टू यूज करेंगे। कभी अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है एमओएस सेल्स एंड बीपी सेल्स कैसे यूज करेंगे, इट मींस योर एक्सपेक्टेड सेल्स डिवाइड इन टू वन जे बीपी सेल्स वन जे एमओएस सेल्स बीपी सेल्स इज ए वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन
fixed cost and profit, variable cost, contribution, fixed cost and profit. Okay, number of students आपको मिले थे total 60. Same example आप ले लीजिए 60. Number of students 60. उसमें से BEP आपके 30 numbers पे आ रहा था और MOS आपका 30 numbers पे आ रहा है. MOS भी आपका 30 पे आ रहा है. अब 30 into 25,000 अगर आप करते हो आपका सेल आ जाएगा BEP 7,50,000. 30 स्टूडेंट एक जन कितना देगा 5,000, इट मींस कम्स टू 1,50,000. आपका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 6 lakhs. आपका फिक्स कॉस्ट क्या आएगा 6 lakhs and 0. 30 into 25,000 is 7,50,000. 30 into 5,000 is 1,50,000. And this is your contribution 6 lakhs and profit आपका यहाँ पे fixed cost 0 हो जाएगा और आपका profit हो जाएगा 6 lakhs. सही है सुनो. BEP में हमेशा profit 0 रहेगा और इसके अंदर आपका fixed cost 0 रहेगा. MOS sales के अंदर आपका हमेशा fixed cost 0 रहेगा, ये आपका fixed cost है. Okay, expected sales divided into BEP and MOS. BEP divided into variable cost, contribution, fixed cost, profit. Fixed cost 6 lakh. MOS sales, variable cost, contribution, fixed cost. यहाँ पे आपका fixed cost 0 रहेगा और यहाँ पे आपका profit 0 रहेगा. अब ये आपको सबसे ज्यादा help करेगा. ये chart, DKC का जो chart है, वो आपको सबसे ज्यादा help करेगा at the time of missing figure. जब आपको सामने जब मैं करूंगा ये मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस, आप ताज्जुब करेंगे कि यार इतना इजी कैसे हो सकता है डिसीजन मेकिंग. तो मॉड्यूल के जो सम्स दे रखे हैं, चाहे वो ग्राफिकल के साथ है, चाहे वो सिंप्लेक्स के साथ है, चाहे वो आपका रिलेवेंट कॉस्टिंग है, लिमिटिंग फैक्टर है, मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर है, उन सब के लिए आपके पास लॉजिकली चार्ट का होना बहुत ही जरूरी है. आपको लॉजिकली चार्ट का होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है. आपको चार्ट को समझना बहुत ही जरूरी है. आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? ओके, ये आपका हो गया नो फॉर्मूला. पूरा लॉजिक से अपन जाएंगे और आप देखिए कि कैसे फटाफट आपके क्वेश्चंस होते हैं. सही आंसर ऑफ फ्रेंड्स. एक आपका कंसेप्ट रहता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्ट. दो पार्ट इसके रहते हैं फ्रेंड्स. एक को हम बोलेंगे मार्जिनल और एक को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. मार्जिनल में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट होगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इक्वल टू आपका क्या रहेगा वेरिएबल कॉस्ट. एब्जॉर्प्शन में योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या रहेगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी आपका रहेगा वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट. आपका ये मैंने आपको दे भी रखा है पेज नंबर 5.4 पे, आप जरा देख लीजिए कंसेप्ट मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन. इसको मैं आपको अलग से चैप्टर 1 में भी करा दूंगा. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट. ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी हमेशा अपना क्या रहेगा
वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड्स कि ऐसा एग्जाम्पल कि यू कैनॉट सॉल्व दिस एग्जाम्पल, यू कैनॉट सॉल्व दिस एग्जाम्पल विदाउट फॉर्मूला, राइट। मतलब आप अगर आपको ये चार्ट नहीं आता है, मतलब फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। यू कैनॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई फॉर्मूला, फॉर्मूला से अगर आप जाएंगे तो आपको आएगा नहीं, आपको लॉजिकली पूरा क्वेश्चन आना चाहिए, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन एंड पेज नंबर 5.4, क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 5.4, ओके। आप जरा देखिए, एक कंपनी हैज ए ओपनिंग स्टॉक ऑफ 6,000, इट मींस दिस इज गिवन, राइट। 5.4 पे आप जरा देख लीजिए, पूरा मैंने सॉल्व करके दिया है आपको, आप पूरा लॉजिकली समझिए, ओके। गिवन ए कंपनी हैज ए ओपनिंग स्टॉक ऑफ 6,000, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 6,000 नंबर्स, द प्रोडक्शन प्लांट फॉर द करेंट पीरियड इज 24,000, इट मींस करेंट प्रोडक्शन इज 24,000 यूनिट्स, एक्सपेक्टेड सेल्स इज 28,000 नंबर्स, सेलिंग प्राइस इज 10, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 रुपीज पर यूनिट है, बराबर। बट एक्सपेक्टेड टू बी 6 ड्यूरिंग द कमिंग पीरियड, करेंट जो वेरिएबल कॉस्ट है आपका, करेंट आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 6 रुपीज पर यूनिट। व्हाट इज द ब्रेक इवन वॉल्यूम फॉर द करेंट पीरियड, द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द पीरियड इज 86, फिक्स कॉस्ट इज 86,000, एज्यूमिंग दैट द फीफो मेथड इज यूज। मैं आपको सबसे करके बताता हूँ, फीफो रहेगा व्हाट इज द आंसर, लीफो रहेगा व्हाट इज द आंसर, वेटेड एवरेज रहेगा व्हाट इज द आंसर, ओके। यू कैनॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फॉर्मूला। आपका जब तक लॉजिक अगर क्लियर नहीं है, तब तक यू कैनॉट सॉल्व दिस फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला से आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो कैसे करेंगे, इट मींस ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी, सेलिंग प्राइस कौन सा लगेगा बोलो, चार्ट वन, कभी भी बीईपी रहेगा तो चार्ट वन, अगर बीईपी के साथ एमओएस है तो आपको चार्ट टू यूज करना है, ओनली बीईपी है तो आपको क्या यूज करना है फ्रेंड्स, तो आपको यूज करना है चार्ट वन। आपको कौन सा चार्ट यूज करना है, आपको यूज करना है चार्ट वन। अपने को दे रखा है दिस इज ए गिवन, ओपनिंग स्टॉक है 6,000 नंबर्स, एक्सपेक्टेड सेल्स 28,000, करेंट प्रोडक्शन 24, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, वेरिएबल कॉस्ट फॉर ओपनिंग स्टॉक 5 रुपीज पर यूनिट, फॉर करेंट 6 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 86,000, मेथड इज फीफो एंड यू हैव टू यूज चार्ट वन। सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू योर वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये ग्राफ के अलावा, ये जो चार्ट वन के अलावा आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। ओपन चैलेंज है, किसी को लाइब्रेरी में जाके दे देना, आपको पता चल जाएगा कि उसको कितना समझ में आ रहा है, ओके। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या दे रखा है, इज ए 10 रुपीज। विच मेथड वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड, हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फीफो। पहले कौन सा बिकेगा, 5 रुपीज वाला, फिर कौन सा बिकेगा आपका,
6 रुपीज वाला, ठीक है। इट मीन्स आपका फिक्स कॉस्ट 86,000, प्रॉफिट आपका जीरो रहेगा क्योंकि बीईपी है, इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए टोटल 86,000। सेलिंग प्राइस 10 है, ये 5, ये 6, बिकॉज वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड, सो कंट्रीब्यूशन विल बी, इट मींस 10,000 माइनस 5। अब इसके लिए अपने पास कितनी यूनिट्स स्टॉक में है, 6,000, और आपका करेंट प्रोडक्शन कितना है, 24,000, 10 माइनस 5, और आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 6,000, आपको कितना कंट्रीब्यूशन रिकवर हो जाएगा, 30,000, आपको चाहिए कितना, 86, उसमें से 30 आपको मिल गया, क्या बैलेंस बचा, 56, देन 10 माइनस 6 इज 4, और 56 डिवाइडेड बाई 4 इज 14,000, और आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 20,000 यूनिट। अगर आपने ये फॉर्मूला इंटर वाले को, बीकॉम वाले को, एमकॉम वाले को, सीएस सीएमए इंटर उनको अगर आपका आपने करा दिया, आपका काम हो जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। क्या बोल रहा है, इट मीन्स दिस इज योर सेलिंग प्राइस 10 रुपीज, विच मेथड वी आर फॉलोइंग इज ए फीफो, वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन 5 रुपीज, 6 रुपीज, ये 6,000, 10 माइनस 5 इंटू 6,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, 10 माइनस 6 14,000, एंड टोटल 86, फिक्स कॉस्ट 86 एंड प्रॉफिट इज, ये अगर चार्ट में अगर आप डालते हो आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम 20,000 यूनिट्स बेचते हैं, अगर हम 20,000 यूनिट्स बेचते हैं तो अपने को क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम 20,000 यूनिट्स बेचते हैं, अगर हम 20,000 यूनिट्स बेचते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब बीईपी इक्वल टू 20,000 यूनिट्स, आपका बीपी क्या हो जाएगा, 20। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि सोल्व बाय लीफो, अगर मैं आपको बोलता हूं सोल्व बाय लीफो, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल प्राइस, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट जीरो, फिक्स कॉस्ट 86,000, कंट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए 86,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका है 10, ये 6 रुपीज पर यूनिट है, ये 5 रुपीज पर यूनिट है, क्योंकि विच मेथड वी आर फॉलोइंग, वी आर फॉलोइंग लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। करेंट कॉस्ट हमारा क्या दे रखा है उसने, 6 रुपीज, तो पहले करेंट लेंगे बाद में ओल्ड वाला लेंगे, बराबर। अब आप देख लीजिए, दिस इज योर 10 माइनस 6 इंटू, हमको 86,000 रुपीज चाहिए, 86 एक यूनिट पे 4 रुपीज जा रहा है, मीन्स 21,500 यूनिट्स अगर हम बेचते हैं 86 मिलेगा, और 86 पे अपने को नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 21,500 यूनिट्स, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज अ पॉइंट व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, इट इज अ पॉइंट व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, आपका क्या हो जाएगा 21,500 आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड में आपको लेके चलता हूं फ्रेंड्स, बाय वेटेड एवरेज मेथड, इट मींस दिस इज 3। एक ही सम को, क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया था, एग्जाम में तो आपने से क्या पूछा, ओनली बाय फीफो मेथड, तो फीफो से आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया, 20,000। लेकिन मेरे को थोड़ा मास्टरी आपको करानी है इस कंसेप्ट के अंदर, आपको मास्टरी करानी है तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इट मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू योर वेरिएबल प्राइस,
and contribution divided into your fixed cost and your profit. Profit is nil, fixed cost is 86,000, contribution is 86,000, selling price is 10. Now we have a opening stock 6,000, uska at the rate of 5, we have 24,000 current production, uska rate hai 6, and that divided by 6,000 plus 24,000. It means 24,000 into 6 plus 30,000 is 1,74,000 divided by 30,000 units is 5.8 per unit. It means 10 minus 5.8, और हमको टोटल चाहिए, टोटल कंट्रीब्यूशन 86,000. सो 10 माइनस 5.8 4.2, 86,000 डिवाइडेड बाय 4.2 20,476.19. ये यूनिट्स पे आपको क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 20,476.19, और यू कैन से 20,477 यूनिट अगर अपन बेचते हैं, 20,477 यूनिट्स अगर अपन बेचते हैं तो अपने को क्या आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस. इसका मतलब आपका बीईपी यूनिट्स 20,476.19 यहाँ पे एग्जैक्टली नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा. लेकिन अगर क्योंकि फ्रैक्शन में यूनिट नहीं बेच सकते तो ऐसे करें. अब इनको अपन वेरीफाई करते हैं. वेटेड एवरेज का ये है, लीफो का आपका 21,500 है और फीफो का आपका है 20,000. अगर इनको चाहे तो अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं. क्या किया था यहाँ पे अपन ने, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाला. वेटेड एवरेज कॉस्ट मीन्स सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट ये ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट, ये करेंट प्रोडक्शन का कॉस्ट डिवाइडेड बाई ओपनिंग स्टॉक एंड करेंट कॉस्ट. 174.30 इज 5.8, कॉन्ट्रीब्यूशन 10, 5.8 एंड 86 को रिकवर करने के लिए आपको कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, 20,477 और 20,476.19. अब इसको मैं आपको करके बताता हूँ वेरीफाई, कि हमने जो कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल का सबसे बड़ा बेनिफिट है. स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यू कैन वेरीफाई योर आंसर. स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल का सबसे बड़ा बेनिफिट है, यू कैन वेरीफाई योर आंसर. कैसे करेंगे, इट मींस दिस इज योर वेरिफिकेशन स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. FIFO, LIFO and weighted average. Sales, कितनी यूनिट्स बोल रहा है फ्रेंड्स, 20,000 FIFO, 21,500 and 24,77. ये 24,77, ये 21,500 लीफो एंड 20,000 फीफो. 10 रुपीज
10 rupees. 2 legs. 21,500 into 10. 2,15,000. 24,77 into 10. 204,770. Less the 6,000. पहले हम लोग सेल करेंगे 6,000 को एट द रेट ऑफ 5 प्लस 14,000 को एट द रेट ऑफ 6 बिकॉज फीफो इज द मेथड. 21,500 को हम सेल कर देंगे एट द रेट ऑफ 6 बिकॉज लीफो इज द मेथड. एंड 24,77 को हम सेल कर देंगे 5.8 से. ये हमारा आ जाएगा इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन. इट मीन्स 14,000 इंटू 6 प्लस 30 इज 1,14,000. 86,000 कॉन्ट्रीब्यूशन. 21,500 इंटू 6 129. ये पूछा नहीं है एग्जाम में, जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर हो इसके लिए मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ. एग्जाम में तो आपसे यही पूछा है खाली व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट करके ना. तो 2,15,000 माइनस 86. 2,477 into 5.8. 117,770. Okay. 204,770 minus 118,770. 86,000. Less fixed cost 86,000. What is the profit and loss? Say yes, sir. What is the profit and loss? Is no profit, no loss. सही है सर, परफेक्टली अप्रूव. अब ये जो क्वेश्चन है, मतलब मैंने आपको सब करा है. एक क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, ओनली ब्रेक इवन पॉइंट एज पर फीफो, वो मैंने कर दिया. उसके बाद फिर मैंने आपको बताया अगर लीफो होता तो क्या आंसर होगा, अगर वेटेड एवरेज रहेगा तो क्या आंसर रहेगा, अगर अपने को वेरीफाई करना है कि हमारे जो आंसर निकल के आए वो सही है कि नहीं, तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या आना चाहिए, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका क्या आना चाहिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए जीरो. आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए जीरो. सही है सर फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछना है व्हाट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको क्या आएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस आएगा आपको जीरो. आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा बोलो, योर प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या रहेगा इज ए जीरो. बोलो यस नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर नहीं, और मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ. जस्ट यू रिफर, ये सारे सीए फाइनल पास एग्जाम में पूछे हुए हैं, बट ये सारे क्वेश्चन सीए फाइनल पास एग्जाम्स में पूछे हुए हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 5.6. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 5.6. देखो जरा वापस से रीड करो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 5.6. ए कंपनी हैज ए ओपनिंग स्टॉक ऑफ 6,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. इट मींस गिवन
opening stock is 6,000 units. The production planned for the current period is 23,000. It means expected production is 23,000 units. Expected sales is 28,000. Expected sales is 28,000 units. Selling price is 10. Selling price is 10 per unit. Variable cost expected to be 6 while it was 5 during the previous period. Variable price opening ka cost aapka 5 rupees per unit aur current cost hai aapka 6 per unit. What is the break-even volume for the current period if the total fixed cost for the current period is 1,06,000? Fixed cost 1,06,000. Also indicate the profit for the current period. Assume that the last in first out. It means method is सही है सुनो फ्रेंड्स क्या आपने को दे रखा है इट मींस गिवन में ओपनिंग स्टॉक है 6000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 23000 एक्सपेक्टेड सेल्स 28 सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 वेरिएबल प्राइस ओपनिंग स्टॉक 5 एंड करंट इज 6 फिक्स्ड कॉस्ट 1,06,000 एंड लीफो इज द मेथड आपसे क्या पूछ रहा है If the total fixed cost for the current period is 1,06,000, okay, find out the break-even point. Now you cannot solve this question. It's guaranteed. It's a past examination sum. But you cannot solve by formula. आपको logic ही लगाना पड़ेगा. इसका मतलब ये आपका BP in units selling price variable price contribution fixed cost and profit बोलो या सुनो कॉन्ट्रीब्यूशन अब फिक्स कॉस्ट आपका कितना है 1,06,000 प्रॉफिट 0 कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 106 selling price is 10 method is LIFO पहले कौन सा बिकेगा 6 वाला फिर कौन सा बिकेगा 5 वाला कितना है अपने पास 23,000 का production और ये है अपने पास 6,000 का प्रोडक्शन इट मींस 10 माइनस 6 इज 4 इंटू 23,000 ये पूरा का पूरा स्टॉक चला जाएगा 23 इंटू 4 इज 106 माइनस 92 इज 14,000 10 minus 5 14,000
divided by 5 is 2800. 25,800. If you sell 25,800, you will get exactly no profit, no loss. आपको क्या आएगा? No profit, no loss. ये आपका BEP, BEP in units, selling price 10, LIFO is the method, sell 5, 10, 23,000, 6,000, 10, ये 23 बेचा 92, हमको चाहिए कितना? Fixed cost 108, क्योंकि BEP है, BEP means no profit, no loss. यही chart आपको follow करना है. चार्ट टू आपको कब फॉलो करना है? जब आपके पास MOS है, नहीं तो आपको चार्ट वन ही यूज करना है. सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू वेरिएबल प्राइस, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन फिक्स्ड कॉस्ट. एंड कभी आपसे मिस्टेक होगा ही नहीं. दुनिया का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ले आना, आपका सॉल्व हो जाएगा. दुनिया का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लेके आ जाना, आपका सॉल्व हो जाएगा. सही है, सुनो, आपका सॉल्व हो जाएगा. मॉड्यूल के सम के लिए ये आपका बेस बनाया जा रहा है. मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए ये आपका बेस बनाया जा रहा है. सही है, सुनो. अब आगे क्या बोल रहा है? एज्यूम दैट द लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम इज फॉलो फॉर करेंट पीरियड इज 1 लाख. ऑल्सो इंडिकेट द प्रॉफिट फॉर द करेंट पीरियड. अब करेंट पीरियड में ये लोग कितना सेल करने वाले हैं? 28. और कौन सा मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं? लीफो. तो अगर 28,000 यूनिट्स हमको सेल करना है, इफ यू वांट टू सेल 28,000 यूनिट्स एंड मेथड इज लीफो, तो व्हाट विल बी योर प्रॉफिट एंड लॉस? इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर पार्ट टू. ये आपका आंसर नंबर पार्ट टू. एक्सपेक्टेड सेल्स. वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन fixed cost profit. क्या बोल रहा है? Which method we are following? We are following LIFO is the method. LIFO method से हम लोग ले रहे हैं, last in first out, क्योंकि उसने question में दे रखा है. It means 28,000 units into 10, आपका सेल कितना हो जाएगा? 2,80,000 रुपीस. वेरिएबल कॉस्ट, पहले हम 23,000 यूनिट्स को सेल करेंगे जिसका वेरिएबल कॉस्ट है 6, फिर 5,000 इसका वेरिएबल कॉस्ट है 5. इट मींस 23,000 इंटू 6 138, एंड 5,000 इंटू 5 इज 25. So 138 plus 25 is 163. 2,80,000 आपका सेल था, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 163, आपको कंट्रीब्यूशन आएगा 280 माइनस 163 इज 117. 117 में आपका फिक्स कॉस्ट है 1,06,000 और आपका प्रॉफिट हो जाएगा रुपीज 11,000. दिस इज योर आंसर नंबर पार्ट टू. एक्सपेक्टेड सेल्स. एक्सपेक्टेड सेल्स 28,000 इंटू 10, वेरिएबल कॉस्ट पहले 23 फिर 5, 6 एंड 5. ये बिकॉज लीफो इज द मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट. 280 में से ये निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करिए प्रॉफिट, प्रॉफिट से मार्क्स, मार्क्स से यू पास, पास से अच्छे दोस्त, राइट?
पास से जॉब, जॉब से पैसे और पैसे से अच्छे दोस्त। सो ये प्रेजेंटेशन जैसे ही वो एग्जाम में लिखेंगे डीकेसी, एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा ही नहीं, आपको 100 में से 100 मार्क्स दे देगा। वाइफ को फोन करके बोलेगा आई वांटेड टू गिव यू ट्रीट टुडे, वाइफ बोलेगी व्हाई व्हाट हैपन, बोले आई हैव सीन द सॉल्यूशन बुक ऑफ प्रोफेसर दानी, आई हैव सीन द सॉल्यूशन बुक ऑफ प्रोफेसर दानी, आई हैव सीन द सॉल्यूशन बुक ऑफ प्रोफेसर दानी। सही है सर, परफेक्टली क्लियर और नॉट, ये आपका प्योर लॉजिकली चीज चल रहा है, परफेक्टली क्लियर और नॉट। बताइए आपको एकदम क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब आप आ जाइए, मैंने एक नोट भी लिखा है पेज नंबर 5.6 पे, दिस इज योर पेज नंबर 5.6 पे मैंने एक नोट भी लिखा है। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 5.6, उस पर मैंने नोट भी लिखा है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द बेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज फीफो एंड द प्राइस इज स्टैंडर्ड। कभी भी अगर आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं दे रखा है, कभी भी अगर आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं दे रखा है तो आपको फीफो लेना है। कभी भी आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं दे रखा है तो आपको फीफो लेना है, ओके, और प्राइस स्टैंडर्ड लेना है। देखो जरा, ए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी प्रोड्यूसेस फॉर्मुलेशन हैविंग ए सेल्फ लाइफ ऑफ 1 ईयर। ए फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूसेस फॉर्मुलेशन हैविंग ए सेल्फ लाइफ ऑफ 1 ईयर। द कंपनी हैज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 30,000 बॉक्सेज ऑन 1st January 2005 and expected to produce 130,000 boxes as was in just year ended 2004. Expected sales would be 150,000 boxes. Costing department has worked out the escalation in cost by 25% on variable cost and 10% on fixed cost. Fixed cost for the year 2004 is 40 rupees per unit. New price announced for 2005 is 100 rupees per box. Variable cost for opening stock is 40. You are required to compute the break-even volume for 2005. Say yes or no, friends. 2005. It means a pharmaceutical company produces formulation having a shelf life of 1 year. The company has an opening stock. It means this is given. This is your opening stock of 30,000 numbers on 1st January, expected to produce, it means expected production is 130,000 numbers, जो आपने ये सेम प्रोडक्शन आपने 2004 में किया है, ये 2004 में एक्सपेक्टेड सेल्स वुड बी 150,000, इट मींस एक्सपेक्टेड सेल्स इज 150,000, दिस इज इन 2005 में आपका एक्सपेक्टेड सेल्स है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इज वर्कआउट द एस्केलेशन कॉस्ट बाय 25% वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो भी आपका लास्ट ईयर था दिस इज इंक्रीजिंग बाय 25%, ओके, एंड फिक्स कॉस्ट, आपका जो फिक्स कॉस्ट था लास्ट टाइम दिस इज इंक्रीजिंग बाय 10%। फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर 2004, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर 2004 40 रुपीज पर यूनिट, इट मीन्स लास्ट टाइम हमने कितना प्रोडक्शन किया था 130, और आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना था 40, इट मीन्स आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 52 लैक्स, इंक्रीजिंग बाई 10% 5,20,000 एंड दिस कम्स टू 57,20,000। न्यू
प्राइस अनाउंस्ड, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपका रहेगा, न्यू सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज पर बॉक्स, 100 रुपीज पर बॉक्स। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है 40 रुपीज लास्ट ईयर का, इंक्रीजिंग बाय 10, तो करंट आपका कॉस्ट हो जाएगा 50। वेरिएबल कॉस्ट ये आपका ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट था 2004 का, और ये आपका कॉस्ट हो जाएगा 2005 का, ये आपका कॉस्ट हो जाएगा 2000। फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट, इट मीन्स अजम्पशन हम क्या लेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अजम्पशन इज फीफो, बीपी इन यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट जीरो, फिक्स कॉस्ट 57,20,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 57,20,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100, मेथड वी आर फॉलोइंग फीफो, पहले ये 40 वाला बिकेगा फिर 50 वाला बिकेगा, 40 वाला 30,000 नंबर्स हैं अपने पास, एंड करेंट प्रोडक्शन 1,30,000 नंबर्स। ओके, सेलिंग प्राइस 100 माइनस 40 इंटू 30,000 इज 18 लैक्स, 38,920 If you sell 108,400, आपको क्या आएगा फ्रेंड्स, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट इज 108,30,000, 108,400, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ये सब पास एग्जाम्स के आपके समय, क्वेश्चन नंबर 3 पास्ट एग्जाम का आपका समय, और ये सम आपके फॉर्मूला से सॉल्व नहीं हो सकते, ये क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला से सॉल्व नहीं हो सकते, आपको लॉजिकल ही जाना पड़ेगा, बिना लॉजिक के ये क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो सकते। अगर आपने ये चार्ट फॉलो किया है तो विद इन ए सेकेंड विद वेरिफिकेशन आपका आंसर एकदम आएगा और आपको फटाफट फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सही है सर, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहे या नहीं हो रहे बताइए आप। ओके, एक और जरा आप लास्ट देख लीजिए, एंड दिस इज योर क्वेश्चन 4 पेज नंबर 5.7, क्वेश्चन 4 पेज नंबर 5.7। ए कंपनी मेक्स 1500 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, 5.7 पे आप जरा देखिए, ए कंपनी मेक्स 1500 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर विच द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज गिवन बिलो, सेल्स 1,20,000, डायरेक्ट मटेरियल 30,000, डायरेक्ट लेबर 36, वेरिएबल ओवरहेड 15, वेरिएबल टोटल कॉस्ट 81,000, फिक्स कॉस्ट 16,800, एंड आपका प्रॉफिट 22,200।
After the 500 units of production, the company has to pay a premium 6 rupees per unit towards the overtime premium. The premium so paid has been included in the labor cost of 36,000. Say yes or no. और अपने को बोला है फ्रेंड्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट. पहले वन बाई वन करके अपन ले लेते हैं. देखो मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी बीईपी का है इसका मतलब दिस इज योर चार्ट वन. आपको कुछ एग्जाम में सोचना नहीं है, आराम से ये चार्ट से जाइए. सेलिंग प्राइस, वेरिएबल प्राइस, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट. जैसे ही आप ये चार्ट बनाएंगे तो एग्जामिनर को एक चीज तो पता चल जाएगा कि यू आर फ्रॉम दानकी कॉस्टिंग, राइट. जैसे मोम की मोम होती है नानी, लाइफ के लिए जरूरी है पानी, ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी. ए कंपनी मेक्स 1500 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट फॉर विच द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज गिवन. ओके, सबसे पहला आपको ये रखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट. दिस इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1500 इज 80. डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 1500 इज 20. डायरेक्ट लेबर में दो पार्ट है, अप टू 500 एंड बैलेंस 1000 यूनिट्स. ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड है आपका 15,000 डिवाइडेड बाय 1500 एंड दिस कम्स टू 10. फिक्स कॉस्ट आपका है 16,800 एंड कंट्रीब्यूशन आपका 16,800. आफ्टर 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन द कंपनी हैज टू पे ए प्रीमियम 6 रुपीज पर यूनिट टूवर्ड्स ओवर टाइम प्रीमियम. द प्रीमियम सो पेड हैज बीन इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ रुपीज 36,000. देखो लेबर के कॉस्ट में क्या बोल रहा है, दिस इज योर लेबर कॉस्ट 500 इंटू एक्स प्लस 1000 इंटू एक्स प्लस 1000 इंटू 6. ये आपने ओवर टाइम पे किया है और टोटल वेजेज है आपका 36,000. 500 को नॉर्मल के हिसाब से यहां पे आप ले लो, योर नॉर्मल वेजेस इक्वल टू एक्स. सो 500 आपको एक्स पे करना है, 1000 एक्स पे करना है, 1000 इंटू 6 एंड दिस कम्स टू 36. इट मींस 1500 एक्स इक्वल टू 30,000 एंड योर एक्स इक्वल टू 20. इसका मतलब 500 यूनिट्स तक आपको पे करना है वेजेस 20 रुपीज पर यूनिट और 1000 पे आपको पे करना है 20 प्लस 6 इज 26. ये क्लियर हुआ कि नहीं? परफेक्टली क्लियर हुआ. और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल वेजेस पेड 36,000, उसमें से आपका ओवर टाइम कितना है, ओवर टाइम है 1000 इंटू 6 इज 6,000,
ओवर टाइम आपके पास ये आ जाएगा नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस आपका कितना है, नॉर्मल वेजेज है 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाई 1500 एंड दिस कम्स टू 20। आपका नॉर्मल वेजेस 20 रहेगा, आपका ओवर टाइम 20 + 6 आपका रहेगा 26। सही है सर, 36,000 टोटल वेजेस पे किया है, 1000 × 6 आपका ये निकल जाएगा, नॉर्मल वेजेस आपका 20 आ जाएगा। सही है सर, इट मीन्स अप टू 500 आपको 20 पे करना है और उसके बाद 26 पे करना है। ये 20 रुपीज वेजेज है और ये 26 रुपीज है। सही है सर, प्रॉफिट जीरो। ये इट मीन्स अप टू 500 यूनिट्स आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, अप टू 1000 आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, अप टू 500 आपका आएगा 20 मटेरियल, 20 वेजेस एंड 10 वेरिएबल ओवरहेड इज 50 ये वाला, और फिर आपका आएगा 20 + 26 + 10 इज 56। ओके, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 80 रुपीज पर यूनिट। इट मींस 80 - 50, इट मींस 80 - 56 इनटू 500 यूनिट्स इज 15,000, ये आपका 1800। 80 - 56 दिस इज योर 80 - 56 इज 24। इट मींस 1800 डिवाइडेड बाय 24 इज 75। सो इफ यू सेल 575 यूनिट्स, इफ यू सेल 575 यूनिट्स यू विल गेट, you will get no profit and no loss. सही है सर, आपको मिलेगा no profit, no loss. तो ये आपका रहा फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलता हूं, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इट्स ए, व्हाट इज द पीवी रेशियो, इट इज ए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो यहां तक आपको, आप बताइए एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं। इट मीन्स दिस इज योर चार्ट नंबर वन, सेलिंग प्राइस 80, वेरिएबल प्राइस आपको दे रखा है, ये वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने निकाल लिया गिवन से, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। बीईपी में आपका प्रॉफिट जीरो रहेगा। सही आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराता हूं एप्लीकेशन ऑफ पीवी रेशियो।